मार भूख मार अरे भूख मार हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी हैप्पी बर्थडे टू यू सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीता बगिया। स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 8 बजे से, और मैं आ रखी हूँ अपने इसी वाले चौक में जिसमें कि हमेशा आती हूँ। और तो दोस्तों, अभी तक मैं जब तक ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर ही रही थी, और तब तक पंडित जी आ गए, और पंडित जी आ गए हैं, अब लग जाते हैं गांव पर, क्योंकि आज आराध्या का बर्थडे भी है और उसके साथ साथ आराध्या का तोल भी है, और दिखाऊंगी आप लोगों को कि तोल कैसा होता है। और तो चलो दोस्तों, चलती हूँ मैं अंदर, क्योंकि पंडित जी अंदर बैठ गए हैं। तो दोस्तों, कर रही है यहाँ पर पंडित जी पूजा की सामग्री तैयार, और तो मैं बना रही हूँ अभी रोट। तो दोस्तों, कल ही है पंडित जी ने पूरी तैयारी, तो मैंने अभी रोट बनाए हैं, और अब चलते हैं आराध्या का तौर शुरू करते हैं। अब देखते हैं पंडित जी और क्या क्या करते हैं आगे। तो दोस्तों, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये बने हमारे रोट, और ये है पकौड़े, और ये है दीपक वगैरह सब रेडी किए हैं, ये है छिलके छाल के। और अब मैं बैठ गई हूँ पूजा में, तो अब पूजा शुरू हो गई है। तो आप कर रहे हैं तैयारियाँ की, एक साइड रखेंगे आराध्या को इस कपड़े के अंदर, और एक साइड आराध्या को बहुत ही बड़ा टीका लगा है, और मेरे को भी, और आराध्या को ना पंडित जी ने वो भी केला भी दे दिया है खाने के लिए, है ना आराध्या? हाँ मम्मा, तो बहुत ज्यादा रोई है, इसने सोचा कि क्या कर रहे हैं ये मेरे साथ ऐसे, जब तोल कर रहे थे, है ना आराध्या? तो मैंने भी फर्स्ट बार देखा कि तोल कैसे होता है, कभी नहीं देखा, लेकिन आज देख लिया आराध्या का तोल, है ना आराध्या? गंदी बच्ची है, केला खा रही है, बहुत ज्यादा रोती है, तो गुस्सा कार्बल मम्मा गुस्सा कार्बल गुस्सा। देखो कैसी गुस्सा कर रही, गंदी है ये, सीधा गुस्सा करती, देखो कैसा गुस्सा आ रहा है, देखो। तो दोस्तों, अब मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, और टाइम भी 10 बज गए हैं, टाइम भी शाम के 5 बज गए हैं। और अरे देखो, अभी तक बहुत तमाशा मार रही थी रोने का, और केले खा रही है अभी। और तो दोस्तों, आज आराध्या का बर्थडे है ना आराध्या, तो लोग खाना पीना बनाने लग गए हैं, मतलब मेरे देवर जी और मेरी देवरानी आ रखी है, वो लोग खाना बना रहे हैं, और मैं तब तक आराध्या को खिला रही हूँ, है ना आराध्या? दे आराध्या, इस पे पानी रखा है बर नूडल उबालने के लिए, वहाँ पर रखे हैं हमारे नूडल्स, और वो है। तो यहाँ पे कर रहे हैं नूडल्स में पत्ता गोभी में प्याज टमाटर सब कट रहे हैं, और तो ये बैठे हैं यहाँ पर सब लोग आराध्या के साथ। यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ बर्थडे की, और बर्थडे का लिए रेडी हो गई है आराध्या, राजा जी फिर राजा की। बेटा आराध्या, तो ये है हमारे मेंबर्स। तो अभी देखिए आराध्या मेरे को भी नहीं देख रही है, बस अपनी मौसी पे, और तो यहाँ पे बन रही है पकोड़े, और हम बना रहे हैं अभी पकोड़े यहाँ पर, और इसके बाद बनाएंगे पूरी। तो यहाँ बाहर बन रहे हैं अभी
गर्मा गर्म समोसे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ समोसे कैसे बनाते हैं गांव में। तो इतने इन लोगों ने बना लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो साफ नहीं आ रही वीडियो क्योंकि गांव में इतनी वो नहीं रहती है तो साफ नहीं आ रहा है ज़्यादा। वैसे ही तो ससुर जी बना रही हैं अभी समोसे कुछ इस तरह से। मैंने कभी बनाए नहीं है और मैंने कहा ससुर जी के लिए कि ननंद के पास कराया कॉल कि आप जल्दी आ जाओ और उसके बाद समोसे बनाओ और खाना पीना जो भी है। तो कुछ कुछ हमने खुद ही बनाया और ससुर जी हो अभी बना रहे हैं समोसे। तो समोसे कुछ इस तरह से बन रहे हैं। तो यहाँ पर लगे हैं सब लोग तैयारी करने पे और ये कर रहे हैं अभी आराम से तैयारियाँ। तो आराध्या ने देखो कैसे काम खराब कर लिया है। और अब जला रहे हैं हम कैंडल्स वगैरह और अब काटेंगे हम कर रहे हैं केक काटने की तैयारियाँ। मोटू है ना वो मोटू कम काटा वाला हम तुम काट कर जब पोर भी डर मार अरा दे मार काल टीको भी लाल। हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी निकी मुडी हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हमारे तूने क्या किया भरोसे नहीं है चलो दोस्तों यहाँ पे खा रहे हैं सब खाना और हम भी खाते हैं खाना पीना। तो ये देखिए आराध्या केक काट कूट के इतना सा समोसे है आराध्या के लिए प्रेशर बनाए बोले छोटा समोसा मत तोड़ उसे आराध्या देखो कैसे डरा रही है ले आ करके डरा रही सबको आराध्या। तो Oh,
भी आई मेरी दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, कल रात ना बहुत ही लेट हो गया था केक काटते काटते, तो थोड़ा डांस भी किया और वो लेट हो गई थी। तो दोस्तों, कल रात को मैं ब्लॉग इन नहीं कर पाई, तक ना बहुत काम पड़ा था कल रात का, तो बहुत सारे बर्तन रह गए थे मांजने के लिए और अभी तक मैंने हो धुले हैं, और तो सफाई करने के लिए रहे था और सफाइयाँ की है मैंने अभी तक, तो टाइम भी दिन के 10:30 हो गए हैं। और तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद है आपसे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बग्याल मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।